अधिकारी ने फरियादियों की समस्याओं को सुना और उन्हें त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। गाजियाबाद जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे के साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलंदी नैथानी और मुख्य विकास अधिकारी अस्मिता लाल फरियादियों की समस्याओं को सुना। प्रदूषण से संबंधित समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी ने बताया कि उपजिलाधिकारी लोनी इस मामले में टीम बनाकर कार्रवाई करने के साथ ही प्रदूषण को प्राथमिकता के आधार पर देखा जा रहा है। इस समय मौजूद है लोनी तहसील में और हमारे साथ मौजूद है जिलाधिकारी गाजियाबाद श्री अजय शंकर पांडे जी। आज तहसील दिवस में सर किस तरह की शिकायतें हैं और किस तरह के आज जो तहसील दिवस? देखिए, आज तहसील दिवस में हम लोगों ने यहाँ पर प्रतिभाग किया और हमारे सभी जनपद के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो यहाँ बैठक में आए और हमारे जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वो भी साथ थे। और जो समस्याएं यहाँ आई हैं वो कुछ जमीन से संबंधित समस्याएं और साफ सफाई को लेकर के समस्याएं, नगर पालिका को लेकर के समस्याएं थी। इन समस्याओं को जो संदर्भ उचित निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया और कुछ का समाधान भी मौके पर करा दिया गया। सर, जिस तरह प्रदूषण बढ़ रहा है उसको लेकर, जो प्रदूषण की इकाई उसको लेकर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? प्रदूषण को लेकर के ऑलरेडी यहाँ पर बहुत ही संवेदनशीलता के साथ काम किया जा रहा है। प्रदूषण विभाग की टीम भी यहाँ रहती है और उपजिलाधिकारी के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स भी गठित की गई है और जो भी प्रदूषण का गतिविधियां हैं उसको नियंत्रित करने का कार्य किया जा रहा है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जिलाधिकारी गाजियाबाद श्री अजय शंकर पांडे, जिन्होंने कहा कि जो तमाम जो शिकायतें आई है उनके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। वहीं जो प्रदूषण है उसको लेकर लगातार जो कार्रवाई है वो की जा रही है। उपजिलाधिकारी लोनी के नेतृत्व में जो प्रदूषणकारी इकाई है उनके कार्रवाई की जा रही है। वहीं इस मामले को लेकर जिलाधिकारी खुद निगाहें रखे हुए हैं। जयवीर मावी, के न्यूज़, गाजियाबाद।